अब दोस्तों यहाँ से नए ड्राइवर की मुसीबत शुरू होती है। ऐसे में लेफ्ट साइड का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिप अच्छी पकड़ में आएगी तो स्टेयरिंग का मूवमेंट आप अच्छे से कर पाओगे। दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त समित। आज हम फिर से ट्रैफिक में चलने वाले हैं। दोस्तों हमेशा मैं ट्रैफिक के वीडियो इसलिए बनाता हूं कि हमेशा एक जैसा ट्रैफिक नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है। कहीं पर टू व्हीलर हमें ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पर फोर व्हीलर हमें ज़्यादा मिलती है, कई बार हमें पैदल लोग भी मिल जाते हैं और कुछ टेढ़े मेढ़े लोग भी मिल जाते हैं, तो हर बार सिचुएशन अलग हो जाती है। इसलिए मैं बार बार ट्रैफिक के वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। और आज की वीडियो में हम ट्रैफिक तो कवर करेंगे और कुछ गलतियाँ भी हम कवर करेंगे जो गलतियाँ हमें नहीं करनी है एज अ न्यू ड्राइवर। अगर ये गलतियाँ आप बार बार करते जाओगे तो फ्यूचर में आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा और आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा ट्रैफिक में चलते हैं और गलतियाँ भी हम कवर करते हैं और किस तरह से चलना चाहिए वो भी आज के वीडियो में मैं बताता हूँ। तो अभी जैसे देख सकते हो मैं किस तरह से गाड़ी उठा रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलनी है। दोस्तों फुट मूवमेंट में हर वीडियो में इसलिए अटैच करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे फुट मूवमेंट भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रैफिक में चलते हैं हम और जैसे ऐसे चौराहे रहते हैं ना, छोटे छोटे यहाँ पे कट रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा हॉर्न बजा दीजिए, इधर उधर देख लीजिए कोई आ तो नहीं रहा है। अगर कोई स्पीड में आ रहा है तो आप शांति से अपनी गाड़ी को रोक लें, उसको निकल जाने दें, पता चले आप भी रैश ड्राइविंग में आ जाओगे और दिक्कत हो जाएगी, तो उस चीज़ का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। और गलतियों की बात करेंगे हम, थोड़ा सा हम ट्रैफिक में आ जाए फिर क्या गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा और क्या नहीं करनी है वो बताऊंगा। सिग्नल ग्रीन हो जाए, ग्रीन सिग्नल हो गया है, किस तरह से गाड़ी उठाता हूँ। ये देखो भाई साहब को, अब यहाँ पे एक गलती, सबसे पहली गलती होती है ट्रैफिक सिग्नल पे कि ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय का है, लेकिन आप क्या करते हो अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगा करके क्लच और ब्रेक को अप्लाई करके रखते हो। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है पता है, आपकी क्लच प्लेट बर्नआउट होती है जल्दी से जल्दी। तो अगर टाइमिंग ज़्यादा है ट्रैफिक सिग्नल का तो वहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूट्रल में अपनी गाड़ी रखना है, हैंड ब्रेक में एंगेज करके रख लो। अब इतने भी जल्दी अपने को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैफिक में कि बिल्कुल एकदम क्लच रिलीज करो और आप उड़ा लोगे गाड़ी, वो नहीं करना है अपने को। नॉर्मल सा रखो, स्टेबल होकर एकदम शांति से, ताकि आपको अच्छे से अपनी गाड़ी पिक करने का मौका मिल सके और बहुत स्मूथली अपनी गाड़ी को पिक कर पाओ। और ऐसे में दोस्तों होता क्या है, गलती से आपसे क्लच छूट गया तो गाड़ी एकदम से आगे बढ़ती है, कई केसेस में गाड़ी बंद नहीं होती है एकदम से आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर आप सामने वाली गाड़ी से टकरा सकते हो तो नुकसान हो जाएगा आपका। और कई केसेस में गाड़ी बंद भी हो जाती है। अब बंद होने से क्या होता है दोस्तों, वही चीज़ जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो ख़राब होता है। आपके पास साथ में जो बैठा है वो बोलेगा कि भाई क्या गाड़ी चला रहा है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है। दोस्तों ये ट्रैफिक ज़्यादा खतरनाक होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ऐसे ट्रैफिक में ज़्यादा अवेयर होकर के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वाले ट्रैफिक में कोई भी कहीं से भी आ जाता है, ये हमेशा बता चुका हूँ। और कट पे खास करके हमको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा हॉर्न दे देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा आ रहा है या आ सकता है तो ध्यान रखो, जैसे कि ये इसने अपनी गाड़ी संभाल ली, हॉर्न मैंने बजाया, इसलिए अगर मैं नहीं बजाता हॉर्न तो सीधे सीधे तेज स्पीड में आता और फिर मुझे सडन ब्रेकिंग करना पड़ती, तो वो चीज़ ना करना पड़े इसलिए आप हॉर्न दे दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये गलती भी है हम करते हैं, ऐसे चौराहों पे थोड़ा सा हॉर्न दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे कितना रश है, अब ये रश पूरा अस्त व्यस्त है, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे संभालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है नए ड्राइवर्स के लिए। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो तो अब संभाल लेते हैं, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे को तो ये ट्रैफिक नॉर्मल लगने लग गया, इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक मुझे नॉर्मल ही लगता है। अब जैसे क्रॉसिंग है यहाँ पे मैं हॉर्न दे देता हूँ, सामने वाला अवेयर हो जाएगा। बाइकों से, साइकिल से और पैदल चलने वालों से ऐसे रोड पे हमेशा बच के चलना है। और गलती कुछ ये भी रहती है दोस्तों, इतने ट्रैफिक में चलते हो फिर भी आप मोबाइल पे ध्यान देते हो, म्यूजिक सिस्टम पे ध्यान देते हो, बल्कि ऐसे ट्रैफिक में आपको ज़्यादा अवेयर होकर के चलना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना है। अब जैसे यहाँ पे 60 सेकंड का है, मैं इतनी देर तक क्लच थोड़ा ना दबा के रख सकता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में करके हैंड ब्रेक एंगेज कर लिया,
अब दोस्तों यहाँ से नए ड्राइवर की मुसीबत शुरू होती है। जिस तरह से आप देख सकते हो ट्रैफिक चारों ओर कैसा दिख रहा है, मेरे पीछे भी इतना ही ट्रैफिक है, आगे भी इतना ही ट्रैफिक है, आजू बाजू भी इतना ही ट्रैफिक है। अगर आप नए ड्राइवर है तो यहाँ पे आपके हाथ पैर फूलना निश्चित है। अब यहाँ पे किस तरह से अपनी गाड़ी को मेंटेन करोगे वो समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे ग्रीन होने वाला है, अपनी मैं फर्स्ट गियर में एंगेज कर लेता हूँ, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करा मैंने। जैसे ग्रीन होगा ये देखिए, नॉर्मल लॉन्चिंग करना है दोस्तों यहाँ पे, और हो सके तो क्रिप फंक्शन या फिर बोल सकते हैं बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करें ऐसे रास्ते पर, ऐसे ट्रैफिक में। अब यहाँ पे मैं सेकेंड गियर भी नहीं जा सकता क्योंकि इतनी स्पीड नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा करके बाइटिंग पॉइंट से उठा लो और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक क्लियर होता है ना तो आप अपने हाफ क्लच का इस्तेमाल करो, और जैसे पूरा ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो वहाँ पर आप सेकेंड गियर में आ सकते हो। अब ये नॉमिनल स्पीड है, अब मुझे लेफ्ट साइड का भी ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड से कोई टकरा ना जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जैसे मैंने बताया है लेफ़्ट साइड का जजमेंट कैसे करना है। अब ऐसे ट्रैफिक में आप सेंटर पॉइंट नहीं ले सकते, ये तो क्लियर है, आपको विजिबिलिटी रखना पड़ेगी। आपके जो वाइपर ब्लेड है लेफ़्ट वाले, उसका जो क्लिप दिखता है वहाँ पर कुछ भी गाड़ी आती है या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो समझ लो वो आपकी गाड़ी के इधर है, मतलब वाइपर के अंदर है, तो समझ लो वहाँ पे आपकी गाड़ी उससे टच हो सकती है। वाइपर के उधर है तो मतलब आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, वो इसलिए ये चीज़ आप तभी कर पाते हो जब आपकी गाड़ी की चौड़ाई का आइडिया आपका होगा, अंदाज़ा थोड़ा बहुत होगा आपको आपकी गाड़ी की चौड़ाई का, तो ही ये चीज़ कर पाओगे। और सेंटर पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे आप ऐसे ट्रैफिक में। और एक टिप ये भी है दोस्तों, जैसे सामने कोई गाड़ी चल रही है आपके, आप नए ड्राइवर हैं, तो आप एक गाड़ी का पीछे पकड़ लो, बस उसके पीछे पीछे चलते रहो ट्रैफिक में, जैसा कि मैं अभी वही कर रहा हूँ, देख सकते हो। अब जैसे वो तो साइड में हो गया, थोड़ा खाली हो गया ट्रैफिक, थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्रॉसिंग है, यहाँ पर देखो ये बाइक वाले क्रॉस करते रहते हैं, ये ऑटो वाला आया। ऐसे में लेफ़्ट साइड का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो गाड़ी पूरी स्टॉप नहीं हुई थी, इसलिए मैंने फर्स्ट गियर में शिफ्ट नहीं किया, तो सेकंड गियर में ही अपनी गाड़ी को चलने दिया। चलने दो बस ऐसे ही, यहाँ पे फर्स्ट गियर की ज़रूरत थी लेकिन नहीं करा मैंने, ज़रूरत नहीं पड़ी। हॉर्न देंगे तो साइड देगा, समझदार होगा तो। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे बताओ, यहाँ पे रूल्स का क्या करोगे, कितनी स्पेस थी लेफ्ट में फिर भी उसने मेरे को साइट नहीं दी, तो कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना ही पड़ता है ट्रैफिक में दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ गलती करनी ही पड़ती है। और ऐसे ट्रैफिक में दोस्तों याद से ध्यान रखो कि आपको स्टेयरिंग जो पकड़ना है वो सॉफ्टली पकड़ना है, ताकि अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सको स्टेयरिंग की पोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है, जैसा कि आपने देखा मैं किस तरह से अपने स्टेयरिंग को बहुत, ये जो ये होता है ना ये हथेली का ये वाला हिस्सा, यहाँ से अपने स्टेयरिंग को कंट्रोल करता हूँ मैं, तो बहुत सही तरीका है क्योंकि इससे क्या है ग्रिप अच्छी पकड़ में आती है। ग्रिप अच्छी पकड़ में आएगी तो स्टेयरिंग का मूवमेंट आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज़ें दोस्तों, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें ट्रैफिक में चलना चाहिए, एकदम शांति से, घबराहट नहीं लाना है। घबराहट लाओगे गलती करोगे, ब्रेक की जगह एक्सेलेरेटर कर दोगे, और पेडल मिसएप्लीकेशन कहते हैं इसको, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए एकदम शांति से जिस तरह से मैंने अपनी गाड़ी चलाई है, मैंने तो बोला भी है तो कॉन्सेंट्रेशन भी वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आप इस तरह से अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सेफली तरीके से चला पाएंगे। खास करके इस टॉपिक पे आपको लेफ़्ट साइड का जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टेक्स मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, और इसके अलावा और भी मिस्टेक्स है, अगर आप कमेंट करेंगे तो फुल वीडियो में मिस्टेक्स के ऊपर लेकर के आऊँगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।